सक्षम समाज सेवा समिति ने किया पौधरोपण, युवाओं ने लगाए 250 पौधे। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावत हुए शामिल। आज सक्षम समाज समिति द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावत उपस्थित थे। युवाओं ने कार्यक्रम में 250 पौधे प्रकृति को भेंट किए। युवाओं ने बताया कि रीजनल चौराहे से लेकर पुष्कर घाटी तक जहां भी पौधों की अति आवश्यकता रहेगी, वहां ये पौधे लगाए जाएंगे। आज सक्षम समाज सेवा समिति की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, इसमें हमारा 250 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा हमारा आज मुख्य अतिथि रूप में महेंद्र सिंह रलावत, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं, वो पधारे थे। उन्होंने वृक्षारोपण करा। उन्हीं के साथ दीनदयाल जी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव अजमेर, वो भी पधारे थे। उन्होंने भी इस कार्य में हमारा सहयोग करा। और हमारा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और लोगों को जागरूक करें कि वो भी पेड़ लगाए और वातावरण को दूषित होने से बचाए। ये हमारा लक्ष्य है। कहाँ कहाँ पेड़ लगाएंगे? 250 ये पौधे हम लगाएंगे रीजनल कॉलेज चौराहे से लेकर पुष्कर घाटी के बीच में, जहाँ पे भी हमें जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ वृक्षों की अति आवश्यकता है, जहाँ पहले वृक्ष नहीं लग रखे हैं वहाँ पर वृक्षों को लगाएंगे। आने वाले समय में और ऐसी योजना चलती है? हाँ, आने वाले समय में वृक्षारोपण के अलावा हमने हमारी सक्षम समाज सेवी समिति ने और भी कई कार्यक्रम करे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर टिफिन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, कॉपी किताबों की, जो भी हो सकता है हमारी तरफ से वो हम सहयोग करते आ रहे हैं। हमारी समिति का लक्ष्य यही है कि गरीब बच्चों के लिए हम कुछ कार्य कर सके। अपना नाम बताइए। विशाल शर्मा, सदस्य जिला सक्षम समाज सेवा समिति। सक्षम समाज सेवा समिति के द्वारा पर्यावरण को बचाने के नाम पर आज जो वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम किया गया है, इनके अध्यक्ष आंगिर अली जी ने, मित्तल साहब ने, विशाल जी ने, तमाम इनके तमाम साथियों ने मिलकर एक पुनीत कार्य किया है। आज इस देश में बचाने की जरूरत है तो पर्यावरण की, सुधारने की जरूरत है तो प्रदूषण की। अगर स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए तो स्वस्थ एनवायरमेंट भी चाहिएगा। और जो आज युवाओं ने जो पहल की है, मैं इनकी पहल का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इनको मंगल कामना करता हूँ कि जिस कामना के साथ इन्होंने पूरे अजमेर को, मेरा ग्रीन अजमेर और साफ सुथरा अजमेर बनाने का जो मकसद लेकर आपकी संस्था ने जो काम किया है, उस संस्था के प्रति मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आपकी संस्था के बारे के अंदर मैंने बात की थी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने, तो पायलट साहब ने भी कहा कि उनकी तरफ से भी आपके तमाम साथियों को मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो जिस संकल्प के साथ आप लोग जो काम करने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अजमेर हरा भरा होगा, सुंदर होगा, सुव्यवस्थित होगा और विकसित होगा और स्वस्थ शरीर के तरह से स्वस्थ अजमेर भी होगा।